ये वाइजग की कंपनी के डिस कारो है। ये मॉडल इधर हरियाणा में बहुत कम चला है, काफ़ी हैवी वेट की। कितना वजन होगा इसमें? लगभग 10-11 क्विंटल, लगभग 11 क्विंटल के आसपास इसका वेट है टोटल होगा। और ये लिफ्ट में डलती है यहाँ से, उसके बाद ये हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट होती है। हाइड्रोलिक सिस्टम से ही ओपन होगी, उससे ही क्लोज होगी। इधर ये जैसे अपनी जो रोगी जो चौड़ाई है एडजस्ट हो सकती है यहाँ से भी, जैसे एक साइड ज़्यादा चलती हो तो यहीं से एडजस्ट हो जाएगी, बीच से खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हाइड्रोलिक की जो सेटिंग है प्रेशर की, वो देखो कैसे कितनी अच्छी तरह की गई है। देखो यहाँ से और इधर, और ये जो झटके, जो भी झटके ट्रैक्टर पर या रो झटके लगते हैं उसमें, जैसे बोल्ट ढीले हो जाए वह या रोगे भी, या रो जंप करने लग जाए है ट्रैक्टर पर भी झटके लगे हैं ट्रैक्टर को भी महसूस हों, वो प्रॉब्लम भी इसमें ख़त्म कर दी गई है। इसमें यहाँ ये स्प्रिंग दिया गया है, इससे ये झटके जो कि स्प्रिंग पर सीधे स्प्रिंग पर आएंगे और कम हो जाएंगे झटके। और इसमें स्टील वाले तो ये बता रहे हो भाई, वैसे तो देखो नीचे से तो चमक काफ़ी है लेकिन ऊपर से तो जंग ही लगा हुआ है। और खुद की ही इनकी मैन्युफैक्चर है, ये लिखा हुआ जग्गी तवे पर भी। और ये बैरिंग वाली जो ब्रैकेट है वो काफ़ी हैवी दी गई है। और ग्रीस करने का साथ की साथ में ही ग्रीस वाला निपल भी लगा दी इसके अंदर, वैसे खोल गया जैसे नॉर्मल एरों में ग्रीस दिया जाता है वैसे नहीं है। और ये कटिंग वाले तवे हैं, इसका ये बेनिफिट है जैसे बिल्कुल सूखी धरती में चलाओगे तो एरो अपने आप से लग जाएगी बिल्कुल। और ये जैसे बाहर में ब्रैकेट होता है नॉर्मल एरों में अपना, जैसा डोल भी जो भी चीज़ होती है उसमें रगड़ करके चलता है, लेकिन ये इसके बैरिंग अंदर दिए गए हैं तो बाहर से कोई घिसावट नहीं होगी। इसकी हैवी वेट का पाइप वाला फ्रेम है बिल्कुल। और एक ये सिस्टम जो कि मिट्टी, गिल्ली मिट्टी होता है तवे का चिपक जाती है तवा, जैसे एरो जाम हो जाती है, वो भी इसमें काफ़ी अच्छी तरह फिटिंग की गई है ये देखो। और ये एडजस्ट हो सकते हैं यहाँ से, अगर ज़्यादा दूर हो ज़्यादा नज़दीक करना है जो भी है कंडीशन के हिसाब से यहाँ से एडजस्ट हो सकती है भाई। और ये पाउडर कोटेड पेंट है इसके साथ है। डबल निपल है इसमें, ये देखो दो निपल लगाई हुई है। इधर से भी ब्रैकेट का वही पोजीशन है ग्रीस वाली निपल के साथ, और बार वाली साइड भी बिल्कुल खाली है। ऐसा है जैसे भी नॉर्मल एरो में चलते हैं तो बाहर की साइड से बैरिंग रगड़ खाता हुआ चलता है, ये अंदर कर दिया है। एक यहाँ से लॉक ये लगाया गया है, ये लॉक, और ये हाइड्रोलिक का जैक यहाँ पर दिया गया है। ये एरो, ये जो जग्गी के एरो हैं ये काफ़ी फेमस हैं, यहाँ से पंजाब में बनती हैं और ये विदेश में भी जाती हैं वैसे की एरो, कई बार आपने यूट्यूब पर देखा हुआ, लेकिन अपने हरियाणा में इधर रोहतक साइड में काफ़ी कम है ये। इस भाई ने मंगाई है, रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं रात में, जैसे एरो ट्रैक्टर के पीछे जुड़ी हुई हो तो बाइक वाले को किसी को ना दिखाई दे तो रिफ्लेक्टर आगे और पीछे दिए गए हैं। हवा वाले टायर हैं, ट्यूबलेस एयर वाले, इनमें हवा भरी जाती है भाई। इस पर भी लच जैसे झटके कम लगेंगे एरो में। और ये जो इसके पहिया हैं ये फोल्डिंग, जैसे ऊपर उठाएंगे तो हाइड्रोलिक से ऊपर उठ जाएंगे, पहिया ऐसे नहीं भाई मैनुअल उठाने पड़े, वो कोई सिस्टम नहीं है। काफ़ी हैवी बना गया है जो भी फाउंडेशन एरो का, काफ़ी हैवी, कोई भी जैसे वेल्डिंग की कोई भी टके कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कहीं भी देख लो, बिल्कुल सफाई से काम किया गया है। ये लिखा हुआ है जग्गी 671 और 2022 का मॉडल है इधर ये, और 20 डिस्क की एरो है भाई, 20 डिस्क की एरो है। काफी अच्छी तरह भाई डिजाइन किया हुआ है यहाँ पर। ये प्लेट देखो नॉर्मल प्लेट लगी हुई थी लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऊपर से और नीचे तक ही बिल्कुल क्लोज है, और काफ़ी मोटी प्लेट है नीचे तक, ऐसा नहीं भाई खाली हो। और यहाँ पर देखो ये ड्रॉवर की तरह इसमें गोली लगाई गई है, कहीं से भी कटने का या कुछ भी कोई वो नहीं है। 20 डिस्क की है, लगभग 65 HP का ट्रैक्टर, 60 HP से ऊपर ऊपर के ट्रैक्टर पर चलाएगी है।
क्योंकि हैवी वेट है इसके अंदर और बिल्कुल एक जैसी लगाएगी, समान लगाएगी, ऐसा नहीं भाई ऊँचा नीचा लगाएगी। बाकी इस भाई ने चलाई, परफॉर्मेंस अच्छी बता रहे हैं। तो ये जग्गी का मॉडल है जो कि पंजाब में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये भी नया मॉडल है, तवे में भी मॉडल चेंज किया गया है, और इधर ये ब्रांडिंग है, ये देखो। जग्गी 10x10 की है, 2022-23 का मॉडल है, जग्गी एग्रीकल्चर वर्कशॉप पंजाब मैन्युफैक्चर। तो ये था भाई वीडियो, जैसी लगे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब, और किसी भाई को अगर एरो के बारे में किसी से कुछ पूछना है तो ये वर्कशॉप का जीमेल आईडी दी गई है, यहाँ से संपर्क कर सकता है। इस भाई से पूछी थी, इन्होंने अभी ली है तो 2,05,000 रुपये की बता रहे हैं ये, 20 डिस्क की एरो 2,05,000 रुपये की, और ट्रैक्टर इनके पास ये ट्रैक्टर 56-20, ये न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर, पैसे टच भी मारता हुआ ये, क्योंकि ज़्यादा एचपी के ट्रैक्टर के पीछे फिर बड़े ही एम्प्लीमेंट काम देते हैं भाई, जब भी डीओजी लिया जाओगे जब एम्प्लीमेंट उसके हिसाब से होंगे। और ये क्रॉप किंग का एक जैसे बगैर स्प्रिंग वाला कल्टीवेटर है भाई, बड़े ट्रैक्टर के पास ये चलाएंगे भाई। क्रॉप किंग का भाई, इसकी मैन्युफैक्चर करनाला में है, किसी भाई को लेना होता है जैसे ये लगभग मेरे हिसाब से ये 23 इंची होंगे शायद, ये जैसे 18 इंच से शुरू हो जाए, तो इसमें ऐसा है कि ये भराएंगे नहीं भाई, जैसे अगर कई बार ज़्यादा कबाड़ में जब धरती पानी पड़ती है तो उससे भी काफ़ी फ़र्क है। वीडियो जैसी लगे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब।